Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. Today we are going to start our chapter number 6. In the previous lecture we have completed our chapter number 5 according to your smart syllabus. Today starting from the chapter number 6 this is this uh, this is the start of five kingdom system which we have discussed in chapter number 5. That is kingdom Munara. Uh, uh, it means kingdom, kingdom Procreoti, and after that there will be kingdom fungi, kingdom protista and then kingdom plantae and kingdom animalia. So, according to smart syllabus, the, uh, the chapter starts from the topic structure of bacteria in which it uh, includes size, shapes of bacteria and the structural parts are flagella, pilli, cell envelope in which uh, slime, capsule and cell wall we will discuss and other in, uh, in the next upcoming lectures we will discuss about the internal organization of bacterial structure. So starting from the introduction. इंट्रोडक्शन जो है आपकी बुक के जो चैप्टर जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है बेटा उसमें डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया की पहली तीन चार लाइनें हैं क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप चैप्टर स्टार्ट करते हो जो भी उसका मेन टॉपिक होता है या मेन नाम होता है ने मेन नेम होता है उसकी डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी रिक्वायर्ड होती है क्योंकि हम यहाँ पे किंगडम स्टार्ट कर रहे हैं वी आर स्टार्टिंग किंगडम नमैरक किंगडम प्रोक्रियोटी सो वी हैव टू नो और वी हैव टू डिस्कस अबाउट इट इंट्रोडक्शन दैट विच ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड इन दिस किंगडम किंगडम प्रोक्रियाटी में जो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड हैं या जो ऑर्गेनिजम्स इस किंगडम में पाए जाते हैं वो वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर प्रोक्रियोटिक सेल्स मौजूद होते हैं और जैसे कि हमने प्रोक्रियाटिक सेल और यूक्रियोटिक सेल का डिफरेंस पहले किया था तो प्रोक्रियोटिक सेल्स की बेसिक पॉइंट्स देख लेते हैं कि हमने कहा था प्रोक्रियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती जिनका डी एन ए मैमब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर इन्क्लोज नहीं होता साइटोप्लाजम के अंदर डिस्पर्सड या स्कैटर्ड हुआ हुआ होता है जिनके अंदर मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गनालीज नहीं होती हैं जिनके अंदर जो कि सिंगल सेल्ड होते हैं ये बेसिक हमने इसके डिफरेंसेस देखे थे तो और तो इसके अलावा हमने इसकी डिवीजन के लिहाज से भी बात की थी कि इसमें सेल डिवाइड होता है लेकिन माइटोसिस के जरिए नहीं बाइनरी फिजन के जरिए डिवीजन होती है और एग्जांपल uh, के लिहाज से आपको बताया कि ऑर्गेनिजम्स इसमें दो कैटेगरीज आती हैं एक है बैक्टीरिया और एक सैनोबैक्टीरिया सो प्रो प्रोक्रियाटिक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है जिसमें प्रो का मतलब होता है बिफोर और क्रेउन मीन्स के न्यूक्लियस माइक्रोबायोलॉजिस्ट यानी वो साइंटिस्ट या हैं वो बायोलॉजिस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया वगैरह की स्टडी करते हैं उनको माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं दे प्लेस द ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया इन टू मेजर कैटेगरीज दोज कैटेगरीज आर वन इज़ यू बैक्टीरिया अकोर्डिंग टू ग्रीक वर्ड यू बैक्टीरिया टर्म इज़ यूज फॉर ट्रू बैक्टीरिया यानी कि जो उसमें आप ट्रू बैक्टीरिया आते हैं जो राइट नाउ अर्थ प्लानट पर जो जितने भी टाइप्स या स्पीशीज बैक्टीरिया की प्रेजेंट है दे बिलोंग टू यू बैक्टीरिया द अदर कैटेगरी इज आर्यो फॉर ग्रीक वर्ड आर्क्यो बैक्टीरिया मीन्स एनशियट बैक्टीरिया इट्स अ मच स्मॉलर डिवीज़न जो कि प्रमेटिव बैक्टीरिया कंस्टर किए जाते हैं जिनको सबसे सब पहले डिस्कवर किया गया था बहुत uh, ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर जहाँ पे, पे लाइफ एग्जिट हुई थी दैट स्टार्ट फ्रॉम द प्रोक्रियास वो आर्क्यो थे तो माइक्रोबालॉजिस्ट ने बैक्टीरिया को दो कैटेगरीज में प्लेस किया है एंड एक इम्पॉर्टेंट एम भी हो सकता है ये दैट इज़ यू बैक्टीरिया एंड तो so स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया जितने भी बैक्टीरियल सेल्स हैं उनके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर्स सब में सेम होते हैं दैट इज उनमें सेल मेमब्रेन होती है उनमें साइटोप्लाज्म होती है उसमें राइबोसोम होते हैं उसमें क्रोमोटिन बॉडीज होती हैं क्रोमोटिन बॉडीज हम कहते हैं इनके डी एन ए या जिनका जेनेटिक मटीरियल है उसको जैसे कि आपके सामने एक डायग्राम यहाँ पर इमेज एक ऐड की गई है ये इमेज क्या है यहाँ पे दिस इज अ न्यूक्लियस इनक्वेलेंट स्ट्रक्चर इसको आप न्यूक्लियड या क्रोमोटिन बॉडी का नाम देते हो ठीक है उसके बाद अब यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे एक नजर आ रही है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, इट्स अ सेल मेम्ब्रेन ठीक है देन हमने कहा इसमें राइबोसोम्स होते हैं प्रोक्रियाड्स और यूक्रियाड्स दोनों में राइबोसोम्स होते हैं लेकिन साइज का डिफरेंस है इसलिए यहाँ पर मैंशनड है सेवनटीर्यस राइबोसोम्स ठीक है उसके बाद हमने कहा साइटोप्लाज्म इसके अंदर मौजूद होता है साइटोप्लाज्म मौजूद है इट मीनस राइबोसोम वहाँ पर है न्यूक्लियोइड वहाँ पर है प्लाज्ड वहाँ पर है और बहुत सारी दूसरी चीज़ें जो कि स्टोरेज के लिहाज से आप कह सकते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद होती हैं ज़्यादा मेजोरटी कह रही है ज्यादातर जो बैक्टीरिया है उनके अंदर सेल वॉल भी होती है ठीक है यहाँ पे आप देखें लेबलिंग है सेल वॉल जो कि म्यूरन या पेपैडोग्लाइकन की बनी हुई होती है बैक्टीरिया को जो यहाँ पे इसका ये शेप आपको नज़र आ रही है ये इसकी शेप बैक्टीरियल सेल की जो शेप है ये सेल वॉल की वजह से होती है उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स भी इसमें पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं दैट इज फ्लैजला कैप्सूल स्लाइम देन उसके अलावा दिसमन पिल्लाए फिब्रीज uh, के अंदर मौजूद होती है ग्रैन्यूल्स भी होते हैं लेकिन ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हर बैक्टीरिया के अंदर नहीं होते ठीक है दीज आर नॉट फाउंड इन ऑल बैक्टीरिया लाइक अगर हम सेल वॉल की बात करें तो मेजोरिटी ज़्यादातर बैक्टीरिया में सेल वॉल है कोई एक ऐसा जीनस या कोई ऐसा बैक्टीरिया मौजूद है स्पीशीज uh, में या टाइप्स में जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होती है ठीक है सो स्टार्ट करेंगे अपने स्ट्रक्चर को फ्रॉम द साइज़ क्योंकि स्ट्रक्चर में आपने पार्ट्स uh, को डिस्कस करना है तो पार्ट से पहले हम एज यू नो हम बैक्टीरिया के साइज़ को और स्ट्रक्चर उसके शेप को डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया के साइज़ की बात करें तो जब हमने वायरसेस के साइज़ को डिस्कस किया था हमने कहा था कि वायरसेस में जो सबसे बड़ा साइज़ है बैक्टीरिया में वो सबसे छोटा साइज़ होता है तो इट मींस के बैक्टीरिया का साइज़ जो है वो रेंज करता है वेरी करता है फ्रॉम जीरो पॉइंट वन टू सिक्स हंड्रेड माइक्रोमीटर ओवर अ सिंगल डायमेंशन सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो है वो है जीनस माइक्रोप्लाज्मा जिसका साइज़ बताया जाता है हंड्रेड टू टू हंड्रेड नानो एम इज मिसिंग नोट डाउन ऑन योर बुक्स नैनोमीटर इन डायमीटर अब ये हंड्रेड से टू हंड्रेड का आपको याद हो तो हमने वायरसेस में ये साइज़ देखा था जो कि लार्जेस्ट साइज़ कंसिडर किया जाता था जो कि लार्जेस्ट साइज़ था पोक्स वायरस का बैक्टीरिया में ये सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ है तो हम यहाँ से इमेजिन कर सकते हैं कि वायरसेस बैक्टीरिया से कितने छोटे होते हैं कि वो फ़िल्टर से फ़िल्टर पेपर से या सुराखों से गुजर सकते हैं साइज़ के लिहाज से हम बैक्टीरिया की डिफरेंट कैटेगरीज डिफरेंट एग्जांपल्स देख लेते हैं पहला हमें दियाक्रीचे गोला है इसका साइज बताया गया वन पॉइंट वन टू वन पॉइंट फाइव माइक्रोमीटर विथ्थ के लिहाज से और टू टू सिक्स माइक्रोमीटर लेंथ के लिहाज से दैन कुछ स्पायरोचीट्स जो हैं उनकी रेंज बताई जाती है कि वो फाइव हंड्रेड माइक्रोमीटर लंबे होते हैं लेंथ के लिहाज से उनकी जो उनका जो साइज़ है वो है फाइव हंड्रेड माइक्रोमीटर दैन आफ्टर दैट सिर्फ स्टेफाइलो को का एंड स्टेप्टो को काय दिस बैक्टीरियाज़ पॉइंट फाइ जीरो पॉइंट सेवन फाइव टू वन पॉइंट टू फाइव माइक्रोमीटर इन डायामीटर और उसके बाद आपके पास साइज ऑफ बैक्टीरिया में एक येलो बॉक्स गिवन है एज एन इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एज एन इम्पोर्टेंट एम सी क्यू आपने इसको तैयार करना है सबसे बड़ा बैक्टीरिया जिसकी साइज़ और विट्स इसका साइज विथ और लेंथ के लिहाज से जो बताया जाता है सिक्स हंड्रेड माइक्रोमीटर बाई एट हंड्रेड माइक्रोमीटर इसका नाम है फिशल सोनी ठीक है ये वो बैक्टीरिया है जो सर्जन ब्राउन सर्जन फिश के इंटेस्टाइन में पाई जाती है इस फिश का साइंटिफिक नेम है एकथियोरस निग्रोफस्कस कुछ बैक्टीरिया फ्रॉम फ्रॉम दीज डिफरेंट रेंजेस ऑफ रेंजेस इन साइज ऑफ बैक्टीरिया वी आर कंक्लूड दैट कुछ बैक्टीरिया जो है वो इतने बड़े होते हैं यानी कि वो इतने बड़े होंगे जितने यूक्रियाटिक का सेल होता है जैसे कि हमने कहा था यूक्रियाटिक सेल की जो लेंथ और हमने साइज़ जो हमने उसका डिस्कस किया था तो उसमें हमने बताया था कि एक नर्व सेल के जितना लंबा होता है ये और एक साइज के लिहाज से हमने ये भी बताया था कि एक शीतर मुर्ग ऑस्ट्रिक के एग जितना होता है लेकिन फिर भी ये नेकेड आई को हम यूट्रिक यूक्रोटिक सेल जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते माइक्रोस्कोप के अंडर ही इसको स्टडी करते हैं एग मीन्स एग मीन्स के यहाँ पे जो इन साइड द फीमेल ऑस्ट्रिक जो एग का साइज देखा जाता है इसका वो साइज बताया जा सकता है हम, हम इसको उस साइज से कंपेयर कर सकते हैं तो बैक्टीरिया का साइज कुछ बैक्टीरिया नॉट ऑल द बैक्टीरिया कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो यूक्रियोटिक साइज जित सेल के जितने उसके एवरेज सेल जितने उसका साइज़ होता है उतने बड़े हो सकते हैं नेक्स्ट दिस इज़ शेप्स ऑफ बैक्टीरिया शेप्स ऑफ बैक्टीरिया ज़्यादा बेटर लॉन्ग के लिए देते दे नहीं लेकिन शॉर्ट और एम के लिए आता है लेकिन क्योंकि आपको पता है स्मार्ट सलेब्स के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस डिवाइड हुआ हुआ है तो पॉसिबिलिटी है शेप्स भी आ सकती हैं कुछ बैक्टीरिया ये कह सकते हैं कि बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनके अंदर एक कांस्टेंट करैक्टरिस्टिक शेप देखी जाती है यानी कि उनकी शेप जो है वो कांस्टेंटली सेम रहती है शेप जो है वो चेंज नहीं होती बहुत सारे बैक्टीरिया स्पीशीज जो हैं वो होम होते हैं होमोमोफिक मीन्स कि जिनकी शेप कॉन्स्टेंटली एक जैसी रहती है सेम रहती है कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो पिलियोमोफिक भी कहलाए जाते हैं क्योंकि उनके अंदर वो अपनी शक्ल को बदलते रहते हैं यानी कि उनके अंदर डिफरेंट शेप्स देखी जाती है तो शेप्स के लिहाज से हम बैक्टीरिया को तीन मेजर क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं द वन इज कोकाय जो कि रॉट सॉरी स्पैरिकल शेप्ड होते हैं द अदर वन इज बैसिलय और बेसिलस जो कि रॉड शेप्ड होते हैं एंड द थर्ड वन इज स्पायरल और स्पायरला जो कि हेलिकल शेप्ड होते हैं हेलिकल जैसे कि आपने डी एन ए का स्ट्रक्चर बताया था दिस शेप दिस इज हेलिकल तो इन शेप्स के लिहाज से आपने बैक्टीरिया की तीन कैटेगरीज बतानी है उसके अलावा आपकी बुक पे एक येलो बॉक्स भी गिवन है शेप्स वाले पोर्शन में उस उसको आपने बेटा एम के तौर पर हाईलाइट कर लेना है बैक्टीरिया के अंदर कुछ दूसरी शेप्स भी देखी जाती हैं इन तीन के अलावा ट्राइकोम फॉर्मिंग शेप्स होती हैं शीथित शेप्स होती हैं स्टार्क्ट होती हैं स्केयर लाइक बैक्टीरिया भी होता है बैक्टीरिया स्टार शेप की फॉर्म में भी होता है स्पिंडल शेप में भी होता है लोब्ड भी होता है और फिलामेंटस फॉर्म में भी होता है तो तीन बेसिक तीन बेसिक यानी कॉमन शेप्स हैं बैक्टीरिया की दैट इज कोकाय बैसिलाय और स्पारल लेकिन उसके अलावा भी कुछ शेप्स जो हैं वो बैक्टीरिया में पाई जाती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोकाय की जैसे कि आपको बताया कोकाय आरसोफेरिकल बैक्टीरिया और ओवल शेप बैक्टीरिया होते हैं इनकी अरेंजमेंट जो है वो प्लेन ऑफ डिवीजन के हिसाब से होती है यहाँ पे जैसे कि मैंने प्लेन्स मैयर किए हैं अगर वन प्लेन के हिसाब से अरेंजमेंट है यानी कि अगर आप कह रहे हो कि डिवीजन जो है वो वन प्लेन में है तो इसमें दो तरह की टाइप्स प्रोड्यूस होती हैं एक है डिप्लोकोकस डिप्लोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस में डिफरेंस अगर आपको आए तो आप किस तरह से बताओगे डिप्लोकोकस में कोकाए अगर आप कह रहे हो कि पेयर्स की फॉर्म में अरेंजड है ठीक है पेयर मतलब लाइक इन दिस वे अगर ये पेयर्स की फॉर्म में अरेंज्ड है तो इसको आप क्या कहोगे इट्स अ डिप्लोकोकस फॉर एग्जांपल डिप्लोकोकस नमोनी जहाँ पे कोकाए की डिस्क्रिप्शन गिवन है उस पैराग्राफ के एंड पे बेटा एग्जांपल्स दी हुई हैं इसको हाईलाइट करना है आपने सेकंड टाइप है इन वन प्लेन डिवीजन के लिहाज से स्टेप्टोकोकस लॉन्ग चेन ऑफ सेल्स ऑफ कोकाए यानी कि यहाँ पे एक चेन मौजूद होगी बैक्टीरिया बैक्टीरिया सेल्स के अंदर कोकाए जो है वो इस तरह से चेन की फॉर्म में प्रेजेंट है इस तरह से जुड़ा हुआ होगा एक लंबी सी चेन बनी हुई दैट विल बी अ स्टेप्टोकोकस ठीक है उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे टू प्लेन ऑफ़ डिवियन्स की यानी कि अगर डिवीजन टू प्लेन्स के हिसाब से अब यहाँ पे डिवीजन वन प्लेन आपको बताई तो इट मींस डिवीजन इस तरह से होगी ठीक है पॉसिबल है डिवीजन इस तरह से भी हो सकती है तो वन प्लेन डिवीजन जो है वो इस तरह की यानी कि तो वो इस फॉर्म में डिवाइड होगा या वो इस फॉर्म में डिवाइड होगा तो इट विल बी अ वन प्लेन डिवीजन अगर हम टू प्लेन डिवीन्स की बात करते हैं तो टू प्लेन डिवियन टू प्लेन डिवीज में जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है दैट इज़ टट टेटरेट किसे कहेंगे कि जैसे हमने कहा कि जब डिवीजन ऑफ सेल जो है वो टू प्लेन्स के लिहाज से हो तो यहाँ पे कोकाई की अरेंजमेंट जो है वो स्केयर की फॉर्म में होगी चार टेटरे टेट्रा मतलब चार फोर कोकाई जो है वो स्केयर की फॉर्म में अरेंज होते हैं चार किस तरह से अरेंज होंगे गए एक दो तीन और ये चार अब यहाँ पर प्लेन ऑफ डिवीजन वन फ्रॉम दिस साइड एंड द अदर फ्रॉम दिस साइड ठीक है ये डिवीजन जो है इसको आप बेसिकली टू प्लेन डिवीजन कहते हो और यहाँ पे जो आपके पास कोकाई की शेप बन रही है जो अरेंजमेंट है दैट इज अ टेट्रेड टेट्रेड मतलब टेट्रा टेट्रा मीन्स चार कोकाई तो ये स्केयर की फॉर्म में अरेंज होते हैं अगर डिवीजन आपके पास तीन प्लेन्स के लिहाज से यानी कि आप कह रहे हो कि बैक्टीरियल सेल की डिवीजन थ्री प्लेन्स में हो रही है तो अरेंजमेंट जो होगी वो सारकीना की होगी सारकीना इज अ क्यूब शेप्ड ठीक है जिसमें आप कहते हो आठ कोकाए एट कोकाए जो वो है वो अरेंज्ड होते हैं अभी आपने अगर ड्रॉ करना हो तो आप इसको किस तरह से ड्रॉ करोगे फर्स्टली ड्रॉ स्केयर ठीक है उसके बाद जैसे कि आपने ये बचपन में ये गेम खेली होगी या ये बॉक्सेस बनाए होंगे इस तरह से बॉक्स ड्रॉप करके देन आपने एट कोकाय को इनके अंदर अरेंज करने हैं इन द फ्रंट देयर विल बी फोर कोकाय अरेंज्ड ठीक है देन उसके बाद दो यहाँ पे सिक्स हो गए और दो यहाँ पे अरेंज करने हैं ये आपके पास बन जाएंगे सिक्स कोकाय अब इसकी डिवीजन जो है वो तीन प्लेन्स में होती है ठीक है सारकीना डिवीजन जो है उसमें एट कोकाई की अरेंजमेंट जो वो क्यूब की फॉर्म में होती है और डिवीजन जो है सेल्स की वो थ्री प्लेन्स के लिहाज से होती है दैट कैन बी वन फ्रॉम हेयर सेकेंड फ्रॉम हेयर एंड थर्ड फ्रॉम द दिस वन ये तीन प्लेन डिवीजन में जो अरेंजमेंट बनेगी कोकाय की वो आठ कोकाय की होगी क्यूब शेप्ड होगी उसको टेक्निकली प्रॉपर नेम आप सारकीना का देते हो उसके बाद अगर डिवीजन जो है वो रैंडम प्लेन्स में अकर करे तो उन रैंडम प्लेन्स की डिवीन में जो अरेंजमेंट होगी या जो कोकाय होगा वो स्टेफाइलो कोकस होगा अरेंजमेंट इसकी इरेगुलर होती है इरेगुलर मतलब किसी भी तरह से हो सकती है जैसे अगर आप देखो एक ग्रेप्स का जो गुच्छा होता है अंगूरों का जो गुच्छा होता है उसमें जो क्लस्टर बेसिकली जो गुच्छा बना हुआ होता है कोकाए की अरेंजमेंट ऐसी होती है इरेगुलर अरेंजमेंट होती है और डिवीजन रैंडम रेंडम प्लेजमेंट यानी किसी भी साइड से किसी भी डायरेक्शन से डिवीजन हो सकती है जैसे अगर हम यहाँ पे ग्रेप्स का अगर हम गुच्छा बनाए यहाँ पर इसके अनुसार मैंने यहाँ पर फाइव कोकाए अरेंज किए हैं मैंने इस तरह से ग्रेप्स का जो प्रॉपर गुच्छा बनता है मैं उसी फॉर्म में यहाँ पे अरेंजमेंट कर रही हूँ यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स जो है वो लिमिटेड नहीं होंगे काफ़ी ज़्यादा होंगे यहाँ पे किसी भी साइड से डिवीजन जो है वो हो सकती है देन दिस विल बी आ स्टेफाइलो कोकस एग्जाम्पल है यहाँ पे स्टेफाइलो कोकस और यस सी मिसिंग है बेटा इसका स्पेलिंग मिस्टेक तो रैंडम प्लेन्स में अगर डिवीजन होती है तो वहाँ पर स्टेफाइलो कोकस बनती है तो यहाँ पर हमारे पास अरेंजमेंट के लिहाज से कितनी कैटेगरीज आ गई कोकाये की हमारे पास यहाँ पे नंबर प्लेन ऑफ डिवीजन के लिहाज से हमने डिफरेंट कैटेगरीज बताई हैं वन प्लेन में है तो डिप्लोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस अगर टू प्लेन है तो टेट्रेड थ्री है तो सैरकिना और अगर रैंडम है तो स्टेप ये आपको लॉन्ग और शॉर्ट और एम्स्यूज तीनों के लिहाज से बेटा आपने इसको प्रिपेयर करना है सेकेंड शेप हमने बताई थी इसकी बेसिलाई रॉड शेप रॉड शेप कैसी होती है रॉड शेप इज लाइक दिस ठीक है इसमें प्लेन ऑफ डिवीजन जो है वो एक ही होती है तो वन प्लेन ऑफ डिवीजन के लिहाज से तीन डिफरेंट काइंड्स की अरेंजमेंट्स बनती हैं एक है बैसिलस जो कि सिंगल सेल बैक्टीरिया होगा दूसरा है स्टेप्टो बैसिलस में क्या होगा एक बैक्टीरिया इस तरह से अरेंज होगा दूसरा ऐसे और तीसरा इस तरह से इट मीनस कि यहाँ पे चेन ऑफ बेसिला मौजूद होंगे इसमें तीन चार पाँच या उससे ज़्यादा सेल uh, जो है वो अरेंज होंगे थर्ड वन इज़ डिप्लो बैसिलस डिप्लो बैसिलस में क्या होगा जैसे हमने बताया डाय मीनस टू तो यहाँ पे आ जाएगा पेयर ऑफ बैसिलस दिस विल बी आर डिप्लो बैसिलस शेप बैक्टीरिया फोर्थ वन इज कोको कोकोबैसिलस कोकोबैसिलस में अगर आप कह रहे हैं कि बेसिले बैक्टीरिया रॉड शेप बैसला बैक्टीरिया जो वो कोकस की फॉर्म है यानी कि अगर आप हो वॉड शेप बैक्टीरिया इस फॉर्म में अरेंज्ड है दिस विल बी अ कोको बैसलस बैक्टीरिया आपकी बुक पर इसकी डिस्क्रिप्शन नहीं है लेकिन आपके पास जो इमेज गिवन है जो डायग्राम आपकी बुक बनी हुई है उसमें यह दिया है इसलिए आप इसको करोगे एग्जाम्पल्स देख लें एस्करीचिया कोलाई जिसको हम ईकोलाई e. कहते हैं बेस्लसट और सीडोमुनास दीज आर दैक्टीरिया जिनमें जो रॉड शेप या बेस्लाई फॉर्म में मौजूद होते हैं उसके बाद थर्ड शेप इज स्पारेला स्पायरल शेप यानी कि हेलिकल फॉर्म में इस तरह से जो होता है उसको हम स्पायरल शेप कहते हैं बैक्टीरियास अगर स्पायरली कॉयल हो तो उसकी शेप को आप स्पायरला कहते हो ये इन तीनों में से किसी भी तीन में से कोई भी एक फॉर्म में हो सकते हैं मतलब ये विब्राय फॉर्म में भी हो सकते हैं विब्राय कर्व्ड होता है या उसके साथ कोमा लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ठीक है कोमा शेप्ड होते हैं स्पायरलम थिक होते हैं स्पायरल होते हैं लेकिन थिक और रिजिड होते हैं और स्पायर भी स्पायरल शेप्ड ही है लेकिन ये थिन होते हैं और थोड़े फ्लैक्सीबल होते हैं ठीक है अगर आप इसकी थिकनेस के बेस पे बताओगे तो आपने बेटा इस तरह से हेलिकल फॉर्म में एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है एक को आप ज़्यादा मोटा बना दो जो कि थिक रिजिट आ जाए को रिजिट आ जाएगा एक को आपने थोड़ा सा पतला बना देना है ठीक है दोनों में आपने स्पायरल शेप ही बनानी है लेकिन एक को थिन और एक को थिक बनाना है स्पायरलम और स्पायरोट के आपको डिफरेंस की बेस पर भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं स्पायरलम थिक होता है रिजिड होता है स्पायरोचीट थिन होता है और फ्लेक्सिबल होता है इसमें दो एग्जाम्पल्स आती हैं एक विब्रियो है और एक हाइफो माइक्रोबियम है ये एग्जाम्पल्स एम में भी पूछी जा सकती हैं तो बेटा शेप्स को आपने लॉन्ग शॉर्ट एम तीनों के लिए तैयार करना है यहाँ पे हम थोड़ी सी डिस्कस दोबारा से देख लेते हैं डिस्कस कर लेते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया को अभी जो मैंने आपको कोकस की बताई वो ये हैं डिप्लोकोकस स्टेप्टोकोकस ट्रेट्रेड्स देन सर्किनी और स्टेफा ठीक है उसके बाद हमने बात की बैसिलस की बैसिलस सिंगल है तो आप इसको बैसलस का नाम दोगे डिप्लो बैसिलस भी है जो कि पेड़ की फॉर्म में होगा स्टेप्टो बैसिलस भी है जो कि चेन की फॉर्म में होगा और कोको बैसिलस भी है जो कि इस तरह से रॉड शेप बैक्टीरिया थोड़ा बहुत जो है वो सफेरिकल फॉर्म में मौजूद होगा स्पायरलम में हमने तीन कैटेगरीज देखी स्पायरलम की कैटेगरीज या स्पायरे की कैटेगरीज कौन सी थी स्पायरल जिसको आप स्पायरलम भी कहते हो स्पायरल चीट और विब्रियो नेक्स्ट टू दिस इज बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर में बेसिक पार्ट्स इसके भी देखने हैं जो कि आउटसाइड uh, में यहाँ कहने के बाहर नजर आते हैं इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट दैट इज फ्लैजिला ये बहुत ही थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल वॉल से बाहर आ रहे होते हैं इनकी ओरिजिनेशन बेसल बॉडी से होती है बेसल बॉडी वो स्ट्रक्चर है जो सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल नीचे मौजूद होता है साइटोप्लाज्म के अंदर हमने साइटोस्केल्टन का स्ट्रक्चर पढ़ा था ऑर्गेनाली की वेज पे इसमें चैप्टर नंबर फोर में तो हमने वहाँ पे एक पॉइंट डिस्कस किया था माइक्रोटिब्यूल्स माइक्रो फिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में कि फ्लैजिला की फॉर्मेशन सेंट्रियोल्स की फॉर्मेशन सीलिया की फॉर्मेशन में साइटोस्केल्टन का ही एक पार्ट इन्वॉल्व होता है वही पार्ट बेसल बॉडी में भी बेसल बॉडी की फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होता है तो बेसल बॉडी बनती है साइटोस्केल्टन की वजह से उस बेसल बॉडी से आगे फ्लैजिला ओरिजिनेट होता है फ्लैजला मेम्ब्रेन के बिल्कुल नीचे से ओरिजिनेट होता है जैसे लेट्स सपोज दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ अ बैक्टीरिया इसकी सराउंडिंग पे ये सेल वॉल है ठीक है अब यहाँ पे आप कह रहे हो कि ये बेसल बॉडी है इस बेसल बॉडी से करता है तो इसकी ओरिजिनेशन जो है ये बेसल बॉडी से होगी लेकिन ये बाहर कहाँ से आ रहा होता है सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल वॉल के जरिए ये बाहर आता है फ्लैजिला जिस प्रोटीन से बना हुआ होता है उसको हम फ्लैजिल कहते हैं जिसकी वजह से सो तो ये फ्लैजिलन की वजह से आप को उसका नाम देते हो अगर आपको क्वेश्चन आए दैट वाई इज कॉल्ड और वाई सो तो आप उसमें यही बताओगे दैट आर मेड अप ऑफ फ्लाजिलिन प्रोटीन दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड फ्लाजिला ठीक है यहाँ फ्लाजिला ज़्यादातर बेसिलाई बैक्टीरिया या जो स्पायरल शेप बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर फ्लैजिला होते हैं कोकाई शेप बैक्टीरिया बहुत रेयर केसेज में होता है कि उनके अंदर फ्लाजिला प्रेजेंट हो हम यहाँ पर दोबारा से बैक्टीरिया को क्लासीफाई करेंगे किन बेसिस पे फ्लाजिला की प्रेजेंस की बेस पर फ्लाजिला की अटैचमेंट की बेस पे और फ्लाजिला के नंबर यानी कि जितने फ्लाजिला मौजूद होंगे उसकी बेस पर आपने बैक्टीरिया को फ़ाइव डिफरेंट कैटेगरीज में या फ़ाइव डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफ करना है सबसे पहला ग्रुप है ए ट्राइक एज यू कैन सी इन द इमेज ए ट्राइकस वो बैक्टीरिया होंगे जिनके अंदर फ्लैजिला मौजूद नहीं होता जैसे कि मैंने यहाँ पे ये इमेज ड्रॉ किया ठीक है उसके बाद सेकेंड है मोनोट्राइकस मोनोट्राइकस वो बैक्टीरिया होंगे जिनके अंदर एक फ्लैजिला किसी भी एक साइड पे एक फ्लैजिला अटैच हो सकता है दैट विल बी अ मोनोट्राइकस मोनो मीनस वन दिस वन इमेज देन उसके बाद है लोफोट्राइकस लोफोट्राइकस बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होता है जिसमें टफ्ट मतलब ढेर फ्लैजिला का ढेर मौजूद होगा एक पोल पे यानी कि सिर्फ एक साइड पे अगर आप कह रहे हो तो उसके अंदर आपके पास कैटेगरीज आएंगी लोफोट्राइकस ठीक है लोफोट्राइकस ट्राइकस आप ये देख सकते हो यानी कि यहाँ पे आप एज अगर हम इमेज ड्रॉ करें तो एक बैक्टीरिया में अगर आप कह रहे हो टफ़ टफ यानी कि फ्लाजिला या का ढेर मौजूद है लेकिन सिर्फ सेल की एक साइड पर है एक पोल पर है दैट विल बी अ लोफोट्राइकस ठीक है उसके बाद बात करते हैं हम एम्फीट्राइकस ट्राइकस की एम्फीट्राइकस ट्राइकस में टफ्टॉफ फ्लाजिला यानी कि फ्लाजिला का ढेर होगा लेकिन दोनों पोल्स पे होगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर उन्होंने एम्फीट्राइकस ट्राइकस का पॉइंट क्लियर किया है कि दोनों पोल्स पे फ्लाजिला मौजूद है अगर हम फ्लाजिला का ढेर कह रहे हैं तो हम इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे ठीक है अपने दोनों साइड्स पे फ्लैजिला का ढेर बता देना है उसके बाद लास्ट टाइप इज पैरीट्राइकस पैरीट्राइकस पैरी में आप देख सकते हो पूरी बैक्टीरियल सेल के ऊपर आपको फ्लैजिला नजर आ रहा है तो पैरीट्राइकस वो कंडीशन या वो ग्रुप हो गया वो कैटेगरी होगी जिसमें बैक्टीरिया की पूरे सेल की सराउंडिंग पे फ्लैजिला मौजूद होगा जैसे अगर मैं यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ करूँ तो ये फ्लैजला जो है इस तरह से जो फ्लैजिला मौजूद है दिस विल बी अ पेरी कंडीशन ठीक है पूरे सेल टफ्ट फ्लैजिला का टफ नहीं होगा ढेर नहीं होगा सिर्फ फ्लैजिला जो है सिंगली सिंगली स्प्रेड हुए होंगे पूरी सेल वॉल के इर्द गिर्द फ्लैजिला का काम क्या होता है यानी कि बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला मौजूद है इसका काम क्या है इसका बेसिक या प्राइमरी फंक्शन जो होता है वो मोटिलिटी है मोटिलिटी मतलब फंक्शन इसका बेसिक फंक्शन ये है कि ये बैक्टीरिया को मूव करने में हेल्प करता है ठीक है उसके अलावा कीमोटैक्सिस में भी इन्वॉल्व होता है यानी कि बैक्टीरिया प्लेजिला की हेल्प से केमिकल सिग्नल्स को केमिकल सिग्नल मतलब जो केमिकल स्टिमुलस जो इसको मिलेगा जो केमिकल केमिकल कंसनट्रेशन जो चेंज होगी इसकी सराउंडिंग पे उस केमिकल उन केमिकल सिग्नल्स को ये डिटेक्ट कर सकता है उनके उनके रिस्पांस में मूव कर सकता है इस तरह का बिहेवियर जिसमें आप ये कह रहे हो कि केमिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करके उसकी तरफ या उसके रिस्पांस में मूवमेंट हो रही है इस तरह की मूवमेंट या बिहेवियर को हम कीमोटैक्सिस का नाम देते हैं उसके बाद हम बात करते हैं फ्लाजिला की एक इमेज यहाँ पे देख लेते हैं बैक्टीरियल सेल यहाँ पे आपके सामने मैंने प्लेस किया है यहाँ पे आपको तीन चीज़ें नज़र आ रही हैं तीन पॉइंट्स या तीन लेबलिंग्स नजर आ रही हैं फिब्री पिल्लाए और फ्लाजिला ये तीनों हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं बैक्टीरिया पे प्रेजेंट होते हैं कुछ बैक्टीरिया पे होते हैं कुछ बैक्टीरिया पे नहीं होते हैं लेकिन तीनों का स्ट्रक्चर या साइज़ अगर आप देखो या फंक्शन देखो तो वो डिफरेंट होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लैजला जो है वो सबसे लंबा है उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे जो फ्लैजलम के बाद जो सबसे फ्लैजलम से जो छोटा है दैट इज़ पिल्लाए और पिल्लाए से जो छोटा है वो है फिबरी तीनों की क्वान्टिटी डिफरेंट है जैसे भी हमने बात की नंबर ऑफ फ्लैजिला हर बैक्टीरिया में डिफरेंट होगा एक हो सकते हैं ढेर की फॉर्म में हो सकते हैं या एक से ज़्यादा पूरी बॉडी पूरी सेल की सराउंडिंग में हो सकते हैं तो फ्लैजिला की नस्बत पिल्लाए जो हैं वो तीन से चार एक सेल के ऊपर तीन से चार होते हैं यानी कि कुछ होते हैं बहुत ज़्यादा नहीं होते जबकि फिवरी जो है वो बहुत ज़्यादा होता है टू हंड्रेड भी हो सकते हैं थ्री हंड्रेड भी हो सकते हैं फोर हंड्रेड भी हो सकते हैं कुछ आप लोग क्योंकि आप लोग गाइड बुक्स को प्रेफर करते हो तो बेटा कुछ गाइड बुक्स में ना पिल्लाए और फेबरी को सेम कंसिडर किया जाता है पिल्लाए और फेबरी और फ्लैजिला तीनों एक जैसी नहीं होती हैं वो ऑल दीज थ्री आर डिफरेंट ठीक है स्ट्रक्चर के लिहाज से भी डिफरेंट है हेयर लाइक -like हो सकती हैं हार्डनेस थिकनेस इनकी डिफरेंट है इनका फंक्शन डिफरेंट है इनका नंबर यह कहने के अमाउंट जो है बैक्टीरियल सेल के साथ इनकी जो अटैचमेंट है वो डिफरेंट हो सकती है तो आपने उसी के लिहाज से फ्लैजिला पिलाया और फेब्रिक को डिफरेंस के फॉर्म में ही डिस्कस डिस्कस करना है याद करना है नेक्स्ट स्ट्रक्चर है पिलाए ये होलो होती हैं होलो मतलब अंदर से खाली होती हैं हेलिकल नहीं होती हैं ठीक है यानी कि नॉन हेलिकल हैं फिलामेंटस होती हैं फिलामेंटस आपके कांटे की तरह या ब्रिस्टल की तरह की होती हैं फ्लैजिला की नस्बत छोटी होती हैं लेकिन फिब्री की नस्बत बड़ी होती हैं ये पिल्लाए जो है ट्रू पिल्लाए जो है वो सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में देखी जाती है और इसका फ्लैजिला वाला काम नहीं होता फ्लैजिला तो मोटिलिटी कर रहा है ना वो हरकत करवा रहा है वो बैक्टीरिया को मूवमेंट करवाता है पिल्लाए मूवमेंट नहीं करवाता मोटिलिटी में इन्वॉल्व नहीं होता लाइक फ्लैजिला पिल्लाएँ भी स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन से बनी हुई होती हैं इनका जो जिस प्रोटीन से पिल्लाएँ बनती हैं उनको हम पायलिन कहते हैं तो इस प्रोटीन की वजह से पिल्लाए को उसका नाम दिया जाता है इसका फंक्शन क्या है ये मेटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है बैक्टीरियल सेल्स के अंदर मीटिंग होती है यानी कि उनके अंदर डी एन ए ट्रांसफरिंग होती है जिस प्रोसेस के थ्रू डी एन ए की ट्रांसफरिंग होती है उसको हम कॉन्जुगेशन कहते हैं तो इट मीनस के ये बैक्टीरिया के अंदर किस काम कौन से काम को किस काम में इन्वॉल्व होगी ये अटैचमेंट के लिए इन्वॉल्व होती है जो बैक्टीरिया को बैक्टीरिया के साथ कनेक्ट करती है या वेरियस सर्फेस पे कनेक्ट करती है जैसे यहाँ पे मैं आपके सामने क्योंकि आपकी बुक पे इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिटेल नहीं दी हुई तो कॉन्जुगेशन का पॉइंट समझाने के लिए आपको यहाँ पर एक इमेज ड्रॉ करके बता देती हूँ ये मैंने दो बैक्टीरिया बनाया ठीक है इस बैक्टीरिया के डीएनए को हमने यहाँ पे दूसरे बैक्टीरिया के डी में ट्रांसफर करवाना है अब इस बैक्टीरिया का दूसरे बैक्टीरिया के साथ जो कनेक्शन होगा या अटैचमेंट होगी वो होती है पिल्लाई की वजह से जैसे आपको ये इमेज में नजर आ रही है पिल्लाई इसकी वजह से होगी यहाँ पर ये यह जो आपके सामने कनेक्शन नजर आ रहा है दिस कनेक्शन इज़ ड्यू टू पिल्लाए ठीक है तो यहाँ पे जो ये कॉन्जुगेशन का जो काम है इसमें एक डीएनए एक सॉरी uh, बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए ट्रांसफर होता है वो पिल्लाई के जरिए होता है तो ये कॉन्जुगेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है नेक्स्ट पिलाया और फिब्री का थोड़ा सा डिफरेंस बता देती हूँ बिकॉज गाइड बुक्स में एज सच पिल्लाए और फिब्री का डिफ्रेंस नहीं है उनको सेम कंस्डर किया जाता है आपकी बुक में फिब्री का पॉइंट डिस्कस नहीं किया गया लेकिन फिर भी यहाँ पे इसलिए डिस्कस करूँ ताकि आपको ये डिफरेंस जो है वो समझ में आ जाए पिल्लाए और फिबरी ब्रिस्टल लाइक होती हैं ठीक है कांटे की तरह की होती हैं फ्लैजिला जो है वो कांटे की तरह का नहीं होता है जो है ये नंबर्स में हमने बताया कि बहुत ज़्यादा होते है टू हंड्रेड भी हो सकते हैं थ्री भी हो सकते हैं फोर भी हो सकते हैं लेकिन जो पिल्लाए हैं ये या तो एक होता है या पेयर की फॉर्म में होता है ठीक है ये कि आप मैक्सिमम कह लेंगे दो होंगे तीन होंगे या चार होंगे इससे ज़्यादा नहीं होते हैं फिबरी का साइज़ जो पिल्लाए से है वो छोटा होता है पिल्लाए फेबरी से बड़ा होता है फेबरी का काम क्या है ये होस्ट जिस भी होस्ट पे ये अटैक करते हैं उस होस्ट के टिश्यूज़ पे ढेर होते हैं जबकि पिल्लाए जो है ये ज़्यादातर कब अटैचमेंट शो करता है ढेर मतलब अटैचमेंट को कहते हैं ये दूसरे बैक्टीरिया के साथ उसकी बैक्टीरिया बैक्टीरियम के साथ कनेक्ट होता है या अटैच होता है कब जब डीएनए ट्रांसफर करना हो डीएनए एन ट्रांसफरिंग का भी हमने नाम यहाँ पे बताया मेटिंग प्रोसेस जो बताया दैट इज कॉन्जुगेशन तो ये बेसिक डिफरेंस है बेटा इस डिफरेंस को आपने बुक पर नोट डाउन करना है उसके बाद आ जाते हैं सेल पे बैक्टीरिया की जो बाहर वाली कवरिंग होगी आउटर रैपिंग जो होगी उसको हम सेल इन्वेलप कहते हैं बैक्टीरिया में सेल के प्रोटोप्लाज्म के बाहर यानी कि एक्सटर्नली कंप्लेक्स मौजूद होता है लेयर्स का एक कह लेंगे गुच्छा मौजूद होता है उसको हम सेल इन्वेलप कहते हैं इसमें तीन चीज़ें आती हैं सेल सेलम्रीन से बाहर दैट इज कैप्सूल स्लाइम एंड सेल वॉल कैप्सूल कुछ बैक्टीरिया में कैप्सूल प्रोड्यूस होता है ये पॉलीसेकेराइड यूनिट्स रिपीटिंग पॉलीसेकेराइड यूनिट्स का बना हुआ होता है या प्रोटीन्स का बना हुआ होता है या दोनों का बना हुआ होता है बोथ का मतलब क्या होगा यानी कि पोलिसिक्राइब्स और प्रोटीन्स दोनों का बना हुआ होता है सेल के साथ टाइटली बाउंडेड होता है बहुत थिक होता है और गमी सी नेचर होती है इसकी गमी नेचर है गम लाइक होता है इसका मतलब ये स्टिकी करैक्टर देता है बैक्टीरियल सेल को जिस जिसकी वजह से जो इन कैप्सुलेटेड या जो बैक्टीरिया जिनके अंदर कैप्सुलेट कैप्सूल मौजूद होता है वो, उनकी जो क्लोनीस बनती हैं उनको ये अढ़ेर करने में या अटैच करने में हेल्प करता है ये सेल को बैक्टीरियल सेल को डिहाइड्रेट नहीं होने देता यानी कि उसमें पानी की कमी नहीं होने देता उसके अलावा स्लाइम की बात करें स्लाइम भी कुछ बैक्टीरिया में मौजूद होते हैं ये लूज सॉलेबल कवर या शील्ड होती है जो माइक्रो की बनी हुई होती है इसको हम स्लाइम कैप्सूल कहते हैं इसका काम क्या है बैक्टीरिया में जो डिजीज़ कॉजिंग एबिलिटी है पैथोजेनिसिटी जिसको आप कहते हो उसकी डिजीज़ कॉजिंग एबिलिटी को ये इंक्रीज़ करता है मतलब क्या हुआ कि ये जब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी में मौजूद है हमारी बॉडी में हमारे वाइट ब्लड सेल्स बैक्टीरिया को इन्गल्फ करते हैं फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं जैसे हमने पढ़ा था सॉलिड पार्टिकल को इन्गल्फ करने का काम जो है वो मेम्ब्रेन्स करती हैं जिसको हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं तो बैक्टीरिया में स्लाइम की मौजूदगी का मतलब क्या है कि वो बैक्टीरिया को फैगोसाइटोस नहीं होने देगा यानी कि अगर आप कह रहे हो ये सेल मेम्ब्रेन है ठीक है सेल मेम्ब्रेन है या हमारे ये वाइट ब्लड सेल्स हैं यहाँ पे कोई फॉरेन बैक्टीरिया फॉरेन पार्टिकल लाइक बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो ये व्हाइट ब्लड सेल जो है इसको फैगोसाइटो नहीं, नहीं कर नहीं कर क्योंकि बैक्टीरिया की सराउंडिंग पे स्लाइम मौजूद होती है अगर हम इसकी लेयरिंग डिस्कस करें तो आप इसकी में के लिहाज से आप बता सकते हो दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन ठीक है दिस इज अ सेल वॉल सेल वॉल के बाहर यहाँ तो कैप्सूल मौजूद होता है कुछ बैक्टीरिया के के केस में और कुछ बैक्टीरिया के के केस में सेल वॉल के बाहर या कैप्सूल के बाहर स्लाइम प्रेजेंट होता है तो ये डिफरेंट लेयर्स हैं तो इसलिए मैंने कहा कि सेल का जो ये वाला पोर्शन जो होगा दिस विल बी अ प्रोटोप्लाज्म जो लिविंग कॉन्टेंट है बैक्टीरियल सेल का इसके बाहर यानी कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है लेयर्स का कौन कौन सी लेयर्स हैं सेल वॉल है कैप्सूल है, है और उसके साथ साथ स्लाइम है तो कुछ बैक्टीरिया में कैप्सूल प्रोड्यूस होता है कुछ बैक्टीरिया में स्लाइम प्रोड्यूस होता है तो इन दोनों का काम क्या है कि कैप्सूल का काम क्या है ये कैप्सूल बैक्टीरिया को स्टिकनेस प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से वो अटैच हो सकते हैं और स्लाइम का काम क्या है ये बैक्टीरिया की पैथोजेनेसिटिक को इंक्रीज करता है यानी कि उसको दूसरे जो सेल्स हैं वो इसको फैगोसाइटोज नहीं करते हैं। मतलब इसको एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट पोर्शन दैट इज वॉल एक्स्ट्रा सेलोर सब्सटेंसेस के अंदर यानी कि स्लाइम और कैप्सूल के अंदर और सेल मेम्ब्रेन से बाहर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो चीज़ प्रेजेंट होती है उसको हम कहते हैं सेल वॉल जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये बनाया सेल मेम्ब्रेन ठीक है सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो लेयर प्रेजेंट होगी दैट विल बी द सेल वॉल तो यहाँ पे जो लेयर्स मौजूद हैं दोज विल बी एक्स्ट्रा सेलोर सब्सटेंसेस और ये जो चीज़ मौजूद है दिस विल बी द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन तो एक्स्ट्रा सेलो सब्सटेंसेस के नीचे और सेल मेब्रेन यानी कि साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बाहर जो लेयर प्रेजेंट होती है वो सेल वॉल होती है जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में यानी कि आपने चैप्टर नंबर फोर में सेल वॉल का फंक्शन पढ़ा था यहाँ पर भी इसका वही फंक्शन है ये रिजिड स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरियल सेल को उसकी शेप प्रोवाइड करता है उसकी शेप डिटर्मिन करता है और उसके अलावा ऑस्मोटिक लाइसिस से भी बचाता है ऑस्मोटिक लाइसिस का पॉइंट हमने पीछे भी पढ़ा था कि जैसे आप कहते हो कि एक सेल के अंदर जिसके सराउंडिंग में सेल वॉल मौजूद है अगर उसके अंदर ज़्यादा पानी आ जाए एंडोआसमोसिस ज़्यादा हो आउटसाइड से इनसाइड बहुत ज़्यादा वाटर आ जाए तो सेल वॉल की प्रेजेंस का मतलब क्या है कि एंडोआसमोसिस हो की वजह से यह पानी ज़्यादा होने की वजह से सेल फटेगा नहीं लाइसिस मीन्स फट जाना बस्ट अप होना तो सेल वॉल जो है वो बैक्टीरियल सेल को या अगर प्लांट आप प्लांट सेल की बेस में बात करो आप एल जी के सेल की सेल वॉल की बात करो या फंगस के सेल वॉल की बात कर रहे हो सेल वॉल का ये मेन काम उसका एक ये भी यही है कि वो ऑस्मोटिक लाइसिस से सेल को बचाता है यानी कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सेल वॉल कौन से बैक्टीरिया में नहीं होता सिर्फ एक बैक्टीरिया या कहने एक जीनस है बैक्टीरिया का जिसमें सेल वॉल एबसेंट है दैट इज माइक्रोप्लाज्मा जो आगे हम दोबारा से देखेंगे इसका नाम सेल वॉल का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो बेटा यहाँ पर मैंने दोबारा वही स्ट्रक्चर ऐड किया है ताकि आपको सेल वॉल का स्ट्रक्चर जो है वो समझ में आ जाए सेल मेम्ब्रेन से अंदर जो ये देखें आपको यहाँ पे येलो कलर की लाइन नजर आ रही होगी येलो या ब्राउन से कलर की है दैट इज साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और इस साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बाहर डार्क ब्लू कलर में है सेल वॉल सेल वॉल में uh, की कंपोजिशन डिफरेंट होने की वजह से डिफरेंट बैक्टीरिया में सेल वॉल की कंपोजिशन डिफरेंट बताई जाती है मुख्तलिफ होती है तो उस डिफरेंस की वजह से एक टेक्निक बनाई गई थी ग्राम स्टेनिक टेक्निक टेक्निक दी थी क्रिश्चन ग्राम ने ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ़ डिफरेंसेस इन द सेल वॉल तो ऑन द बेसज ऑफ डिफरेंस इन द कम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल हम बैक्टीरिया को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं दैट इज़ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एन इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और उसके अलावा सेल इनवेल्प जो है वो कम्प्लीट लॉन्ग भी है एज अ शॉर्ट भी है। आपने इसको प्रिपेयर करना है और इसमें डिफ्रेंस भी आपको पूछे जा सकते हैं ग्रैम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की बेस पे या आपको सिर्फ सेल वॉल की बेस पे भी क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है तो सेल इन्वेल्प वाला जो पोश्चन है जो कि सेल वॉल पर कम्प्लीट होता है बट आपने इसको लॉन्ग के लिहाज से ही तैयार करना है ग्रैम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर्पल कलर के होते हैं क्यों क्योंकि ये प्राइमरी डाई को रिटेन करते हैं इस डाई का नाम है क्रिस्टल ठीक है अब ये पर्पल कलर जो है प्राइमरी डेकोरेटेन किस तरह कर लेते हैं बिकॉज इनके सेल वॉल में कॉम्प्लेक्स एक स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं सी वी वन कॉम्प्लेक्स क्रिस्टल वॉयलेट वन कॉम्प्लेक्स दूसरी कैटेगरी है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दिज आर स्टेंट पिंक सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक स्टेंट पिंक यानी कि पिंक कलर uh, uh, इनके अंदर पिंक कलर आता है अगर आप इसके अंदर सेकेंडरी डाई यूज करो सेकेंडरी डाई जो है वो पिंक या रेड कलर का होता है उसको हम सेफरानीन कहते हैं ठीक है या आपकी बुक पे बैठा बेटा डाइस के नेम नहीं थे लिखे हुए इसलिए मैंने यहाँ पे नेम्स को प्रॉपरली मेंशन नहीं किया टाइप नहीं किया लेकिन आपको बता रही हूँ इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आपको याद रह जाए अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो प्राइमरी डाई का नाम है क्रिस्टल वॉयलेट और जो सेकेंडरी डाई है उसका नाम है सेफरानीन एस एफ आर एन आई एन सेफरानीन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को हमने कंपेयर करना है उनकी सेल वॉल की कम्पोजिशन के लिहाज से सबसे पहला पॉइंट है इसमें केमिकल मेकअप का केमिकल मेकअप मतलब के पेप्टाडोग्लाइकन जो केमिकल कम्पोजिशन है वॉल की उसकी बेस पे हमने इसको बताना है पेप्टाडोग्लाइकन का पॉइंट देखें ग्राम पॉजिटिव में फिफ्टी परसेंट पेप्टाडोग्लाइकन मौजूद होती है जबकि ग्राम नेगेटिव में जो पेपटाडोग्लाइकन की अमाउंट बताई जाती है वो है टेन परसेंट वेटेज के लिहाज से ग्राम uh, पॉजिटिव में टिकोइ एसिड मौजूद होते हैं लिपो टिकोइ एसिड होते हैं और लिपिड्स की कंसनट्रेशन बताई जाती है जो कि है वन टू फोर परसेंट जबकि ग्राम नेगेटिव में लिपोपोनीसक्राइड्स होते हैं और लिपो प्रोटीन्स मौजूद होते हैं और ज्यादा लिपिड्स की कंसनट्रेशन बताई जाती है इलेवन टू ट्वेल्व परसेंट यानी कि यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन जो है दोनों की डिफरेंट आ रही है उसके बाद थिकनेस की बात करें ग्राम पॉजिटिव ज्यादा थिक होते हैं दैट इज ट्वेंटी टू एटी नैनोमीटर ग्राम नेगेटिव जो है वो कम थक होते हैं दैट इज एट टू इलेवन नैनोमीटर आउटर मेम्ब्रेन के लिहाज से देखें तो ग्राम पॉजिटिव में आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती ग्राम नेगेटिव में आउटर मेम्ब्रेन होती है जो सेल वॉल या पेपराडोग्लाइकिन की मेम्ब्रेन की या लेयर के बाहर मौजूद होती है पेरी स्पेस क्या होती है पेरी स्पेस बेसिकली आप कहते हो इनर और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान में एक स्पेस पाई जाती है जो कि ज़्यादा ग्राम नेगेटिव में होती है पेरी स्पेस जो है वो जितने भी ग्राम नेगेटिव की स्पीशीज़ हैं या एग्जांपल्स हैं उन सब में मौजूद होती है जबकि ग्राम पॉजिटिव में मोस्टली में नहीं होती कुछ में होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रोमेबिलिटी ज़्यादा होती है जबकि ग्राम नेगेटिव जो है वो लेस प्रोमेबल होते हैं नंबर ऑफ मेजर लेयर्स की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव में सिर्फ एक ही लेयर होती है जबकि ग्राम नेगेटिव में एक से ज़्यादा यानी कि दो लेयर्स होती हैं अब ये पॉइंट्स अगर हम इसको डायग्रामेटिक वे में देखें तो क्लियर होगा आपको यहाँ से जैसे कि आप देख सकते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ग्रीन कलर की है ठीक है उसके बाद यहाँ पे आप देखें पैरी स्पेस दोनों में है लेकिन ग्राम नेगेटिव की जितनी स्पीशीज़ हैं उनमें पैरीप्लाज्मिक स्पेस होती है क्यों क्योंकि ग्राम नेगेटिव में एक होती है इनर मेम्ब्रेन एक होती है आउटर मेम्ब्रेन यहाँ पर देखें आउटर मेम्ब्रेन ये है और ये है इसकी इनर मेम्ब्रेन जो कि पैपैडो की बनी हुई होगी ठीक है ये इनर और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान में आपको मेम्ब्रेन या स्पेस नजर आती है उसको हम पैरी स्पेस कहते हैं जो कि ग्राम नेगेटिव में होगी लेकिन ग्राम पॉजिटिव में कुछ में होती है वो छोटी सी आप कह सकते हो छोटी सी पैरीप्लाजमिक स्पेस होती है जो किसके दरम्यान में होगी पैप्टाइटोग्लाइकन और जो उसकी इनर मेम्ब्रेन की जो सेल मेम्ब्रेन है उसके दरमियान में होती है ठीक है और उसके अलावा यहाँ पे पैरिप्लाजमिक स्पेस के अलावा आपको जो डिफरेंस नज़र आएगा वो ये है कि आउटर मेम्ब्रेन ग्राम नेगेटिव में है लेकिन ग्राम पॉजिटिव में कहीं पर भी आउटर मेम्ब्रेन नहीं मौजूद है सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन जैसे कि हमने पहले भी ये पढ़ा था कि बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथनिंग मटेरियल जो है वो पेप्टाडोग्लाइकन है जिसको हम म्यूरेन भी कहते हैं इसकी अमाउंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया में वेरी करती है ये दो चीज़ों का बना हुआ होता है एक ग, शुगर दैट इज़ लॉन्ग लाइक ग्लाइकन चेंज दूसरा अमाइनो एसिड यानी कि पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स ये क्रॉस क्रॉसिंकड हुए हुए होते हैं इसके अलावा शुगर मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं टिकोइक एसिड्स लिपो और लिपोपोलिसक्राइड्स भी मौजूद होते हैं तो दीज आल ये जितने भी आपके पास यहाँ पर दूसरे कंपोनेंट्स हैं शुगर सेलवॉल uh, के अंदर ये सारे पेप्टाइडोग्लाइकन के साथ अप हुए हुए होते हैं उसके अलावा जो प्रिमेटिव बैक्टीरिया के लिहाज से देखें तो आर के बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल की कंपोजिशन है वो यू बैक्टीरिया से डिफरेंट है इसके अंदर पेपनाडोग्लाइकर नहीं होता इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं ग्लाइको प्रोटीन्स होते हैं और पोली होते हैं जबकि जो दूसरे बैक्टीरिया ग्रुप्स हैं उनके अंदर सेल वॉल का स्ट्रक्चर ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव के जैसा होता ही नहीं है और कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिसके माइको है उनके अंदर सेल वॉल ही नहीं होती तो बेटा यहाँ पर आपका टॉपिक कंप्लीट होता है इस चैप्टर को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आगे इस चैप्टर का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे दैट विल बी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन इस टॉपिक को जितना आज पढ़ा है बेटा इसको लॉन्ग शॉर्ट एक्सक्यूज तीनों के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए जो भी चीज़ बेटा इसमें समझ ना आए आप नोट डाउन कर लीजिए हम इंशाल्लाह लाइव क्लास में इन सारे टॉपिक्स को इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे अल्लाह हाफिज़ क्लास